हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मरकर द लायन ऑफ अरबियन सी, जिसको नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। सो फाइनली जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद यहाँ पे स्क्रीन्स नहीं थे और बहुत कोशिश के बाद जो है फिल्म मुझे देखने को मिला, और वो भी मलयालम में। तो जितना मुझे समझ में आया उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो ओवरऑल रिव्यू जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज मलयालम मुझे उतना समझ में नहीं आया। सो मिड मिड लेवल तक मैं सारा समझ गया था, और बाकी का चीज़ जो था अगर सबटाइटल होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और यहाँ पे तो बहुत रेयर स्क्रीन्स भी मिले थे। सो बात करते हैं इसके स्टोरी लाइन की। तो सिंपल स्टोरी लाइन था, बट जो बैटल दिखाया गया है पोर्तुगीज वर्सेस इंडियन के बीच में, जिस तरह से बैटल होती है और बीच में उसको चोर कर दिया जाता है, यानी कि मोहनलाल सर का जो कैरेक्टर है कुंजाली, उसको चोर साबित किया जाता है। फिर बीच में जाके वो क्लियर होता है कि उनको चोर किसने बनाया और वो चोर कैसे हुए, फिर सारा पर्दा हटता है। और बीच में इंटरवल के टाइम सारा बाजी पलट जाता है, जब कीर्ति सुरेश का कैरेक्टर थोड़ा सा अलग वे में चला जाता है, यानी कि कुछ छोटे मोटे गलतियों के वजह से जो है दोनों तरफ से आपसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व नहीं होता है और आपस में फाइट लग जाती है। और वहाँ पर हमें देखने को मिलता है मोहनलाल सर एंड अर्जुन सरजा का जो बैटल वहाँ पर देखने को मिलता है दोनों के बीच में। अर्जुन सरजा तो जो है वो तो यंग है, लेकिन मोहनलाल सर का जो एक्टिंग और जो एक्शन देखने को मिला, इतने एज में इतने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना वो इजी नहीं होता है। और कुल मिला के ये मूवी जो है ऑडियंस को सेटिस्फेक्शन कर देती है एंड तक, और काफ़ी सारे चीज़ों से यहाँ पे पर्दा उठ जाता है। और एंड में धोखे से जो है मोहनलाल वहाँ पर पकड़े जाते हैं और उन्हें वहाँ पर दंडित किया जाता है, सूली पर चढ़ाया जाता है। जिस तरह का वहाँ पर सीन्स था क्लाइमैक्स का, मुझे भी काफ़ी इमोशनल लगा था, क्योंकि उनके जीवन का जो सारा लाइफ सर्कल था वो सब कुछ फ्लैशबैक में दिखाया गया एंड में। और उनकी जो अम्मी जान थी यानी कि मम्मी, उनको भी पुर्तगीज के जो कैप्टन था उसने मारा था। सो इंटरवल के टाइम पूरा क्लियर होता है कि वही बुढ़ा जिसने मोहनलाल सर का जो है अम्मी जान को मारा था, और मोहनलाल सर और उनके पापा जो है सिर्फ जिंदा थे। तो वो इंटरवल पर जाके क्लियर होता है और वो बोलते भी हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैं वही लड़का हूँ जो अपनी अम्मी को जो है मरता हुआ देखता हूँ। सो ओवरऑल इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बट हिंदी में यहाँ पे रिलीज़ नहीं हो पाया, और इसीलिए रिव्यू जो है 2 दिन लगा मुझे लगाने में, क्योंकि टिकट ही नहीं मिला यहाँ पे देखने के लिए। सो ओवरऑल मैं देख के आया और सेटिस्फाइड हूँ, पूरा फिल्म को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ लोग आके उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि हमारा एक्सपेक्टेशन हाई लेवल था, तो जिस तरह का स्टोरी है उसी को पूरा का पूरा आके ला के यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो ब्यूटीफुल स्टोरी, 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। और ये था टोटल रिव्यू ऑफ मरकर द लायन ऑफ अरबियन सी, जस्टिफाइड आंसर है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।